तेरा आउटफिट दिखा दूँ, भाई के बाल देखो, फिर भाई की शर्ट, स्मार्ट लग रहा है, भाई का फोन, भाई का, ओ सॉरी पैंट, भाई की शूज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फॉर इस अपर यंग। तो गाइस, सुबह सुबह किसके साथ ये प्रॉब्लम होती है सच बताना, ठीक है? मतलब मैं वर्कआउट करने जैसे जिम जाते हैं तो भाई कपड़े होते हैं कि यार क्या कपड़े पहन के जाऊँ, क्या चीज़ आज, जैसे लेग्स का वर्कआउट अपना, तो मैंने ना सुबह से 4 लोअर चेंज कर लिए। ठीक है, देखो कपड़े वपड़े सब ऐसे रख दिए भाई इसके पीछे भी, ठीक है? तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि यार क्या कपड़े पहन के जाऊँ, क्या किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है, एक बार ये बता दो। फिर सेकंड थिंग, शेकर को लेके, एक शेकर ये रहा, एक ये धो के रख दिया, एक वो रहा, दो बैग में रखे हैं। अब मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ कि कौन सा शेकर लेके जाऊँ। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी तरह ये चीज़ें सफ़र करता है कि क्या पहन के जाना चाहिए। अभी तो नीचे जाऊँगा, शूज़ वाइट पहनूँ, ब्लैक पहनूँ, ब्लू पहनूँ, ग्रीन पहनूँ, क्या करूँगा इस, पैसा इतना कमा लिया। हाँ भाई, कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, तो सीरियस हो जाओ, गैल्स हो जाओ। चलो भाई, देख रहे हो, अभी चलते हैं सीधा यहाँ से वर्कआउट करने का। आज अपना लेग्स का वर्कआउट है और बढ़िया तकड़ा मारेंगे, बहुत तकड़ा आज। हेलो गाइस, चेक करो सुबह सुबह का इंसिडेंट, ड्रिंक एंड ड्राइव है भाई। मैं भी जिम नहीं जा रहा था तो निकाल बगे निकाल के जाता मैं भी। मार रही हो तो ठीक कर रहा, खुद ही गलती है भाई। बहुत दिन से ना मैं जूस पीने आते हैं, तो आज सिर्फ कर भाई इसके जूस में कोई दिक्कत है, तो आज अपने सामने सामने बैठ के जूस करवाए हैं। अब चेक करके बताएगा सही है गलत है। हाँ सिर्फ पी के बताए मेरा धन्य अमूल मिल्क, अगर टेस्ट हुई हुआ ना तो 100 रुपये एक्स्ट्रा देगा तू भाई आज। गुड़गांव जाने में कोई टोल पड़ता है? गुड़गांव जाना नहीं है भाई, सुबह ही कहीं और तो ना ले गाड़ी। भाई रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहोगे, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। मतलब भी कैसा हो, है टेस्ट हुई? फर्क है, हम आगे सब फर्क है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा मत कह यार, तू तेरी कसम दिल तोड़ रहा बहुत ज्यादा। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर फर्क हुआ 100% मानना पड़ जाओ तेरी कसम। अभी रुक जा, मैं बताता हूँ। बढ़िया, नाइस गाइस, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो अपने आसिफ भाई ने हमें अभी आके बताई है कि इंस्टाग्राम बहुत जल्दी बैन होने वाला है। तो क्यों होने वाला बैन? तो गाइस, यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी जिम में, इसके बाद मैंने वॉइस ओवर करी है। तो बाकी आसिफ भाई ने हमें ये बताया था कि इंस्टाग्राम क्यों बैन होने वाला है, क्योंकि भाई आज की डेट में क्या हो रहा है कि अपने जो PM है मोदी जी, उनकी ना मीम्स काफ़ी वायरल कर रहे हैं लोग बाग। तो भाई ये चीज़ें बहुत गलत हैं, इन चीज़ों का नहीं करना चाहिए भाई। ये एक बार कम से कम ये तो देखो भाई, तुम किसकी किस इंसान की चीज़ें वायरल कर रहे हो, और जो भाई ये मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार ये सब करने से पहले सोचने, मतलब यार सोचो एक बार तुम कर क्या रहे हो, एक बार ये सोच के देखो भाई। भाई भगवान ने तुझे ही फुर्सत से बनाया आज भाई। नहा धो के भाई जूता वूता पैर, भाई इसे कहते हैं असली जिम के पैसा वसूल है भैया। रोज अपने घर का पानी बचा रहा, बिजली बचा रहा, और क्या बचा रहा, शैम्पू साबुन सब हजिया हराम का। भैया तेरी कैडी बातचीत आसिफ भाई, चल चले देखिए फिर। भाई भगवान ने तुझे भी एक बार, मैं तुझे तेरा आउटफिट दिखा दूँ, भाई के बाल देखो, फिर भाई की शर्ट, स्मार्ट लग रहा है, भाई का फोन, भाई का, ओ सॉरी पैंट, भाई की शूज, भाई का बैग, या सेल्फी, वाओ यार। एक मिनट, चलो ठीक है गाइस, अभी हम चलते हैं घर, उसके बाद मिलता हूँ, पहले मैं सेल्फी खिंचवा लूँ भाई के साथ। चलो, अपने फार्म हाउस में काम शुरू हो चुका है, अपने सैम भाई की गाड़ी रिवील करनी है, तो उसके लिए ये भाई ने डेकोरेशन करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एंट्रेंस बनेगा, यहाँ बनेगा, और यहाँ पे गाड़ी रिवील होगी जो ये रखे है ना, यहाँ पे बहुत सेक्सी बनने वाला भाई, बहुत तकड़ा। तो अगर अपना कोई भी भाई बंधु बहन दोस्त यार कोई भी कुछ भी फंक्शन अगर करवाना चाहता है तो अपने फार्म हाउस में करवा सकता है, क्योंकि आज की डेट में होता है ना भाई कि आप कहीं भी अपनी गाड़ी रिवील करो तो भाई वो पैसे मांगता है कम से कम 2.5-3 लाख रुपए।
अपना हिसाब ऐसा नहीं है, अपना आपसदारी में थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका कोई भी फैमिली फंक्शन हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, आप आओ, जेन्युइन रेट में हिसाब किताब करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी गाइस अभी हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी, बाल बाल सेट नहीं करे क्योंकि रोज रोज हेयर ड्रायर लगाना भी गलत है बालों में, तो मुझे किसी ने सलाह दी है, तो वो इसीलिए आज मैंने बाल बाल सेट नहीं करवाए। मैंने कहा कहीं जाना भी नहीं है, तो अभी पहले एक बार गाड़ी में तेल डलवा लूँ, उसके बाद थोड़ा डाइट वाइट लूँगा, अंडे वगैरह खाऊँगा, उसके बाद आसिफ के पास चलेंगे। और एक से दो दिन प्रॉमिस है, एक से दो दिन के अंदर सरप्राइज़ दे देंगे आप लोगों को, सो वेट करना सरप्राइज़ का। और प्लीज़ बी पॉजिटिव, मतलब अच्छी वाइब देना मुझे भी, कोई जलने जलाने वाला खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो तीन ऐसे निकल जाते हैं। अब इसने कैसे कर दिया, अरे हटा ले यार मटीले, तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए कि भाई इसने क्यों कर लिया, इस पे कैसे हो गया ये चीज़, ये तो डिजर्विंग नहीं था, तो ऐसा हिसाब मत कर देना यार प्लीज़, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने में और ये काम करने में, तो प्लीज़ गिव मी योर बेस्ट विशेस। लो भाई गाइस, गाड़ी आ चुकी है अपनी कश्मीर से। हाँ भाई है कुछ भाई, बहुत दुख है मेरे भाई के गाड़ी खुद हिसाब कर रहा थे अरे कर लेंगे है ना भाई, गाड़ी देख लो भाई थोड़ी बहुत, एक बार शेयरिंग ब्लॉग तो ना देखता तू, तुम्हारा देखता भाई, सब देखता मेरा, 3 महीने के लिए शेयरिंग कोटिंग भाई एक बार कर लो, होगी इस पे शेयरिंग है ना, जो ये रह रहे हैं दाग दाग से, ये उससे छुटेंगे भाई अब, बट कोई नहीं गाइस। गाइस तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, बहुत तगड़ी ये मर्सिडीज खड़ी है किसी भाई की, यहां पे इसका इंटीरियर देखो भाई, बहुत ही सेक्सी ले भाई, भाई सब मर्सिडीज वाले भी कुछ इंटीरियर देते हैं, वेरी नाइस। तुम्हें पता आज की डेट में गाड़ी क्या है, आसिफ भाई बताइए गाड़ी क्या है, आसिफ भाई गाड़ी बहुत बुरी वाला दो तो बुरे मानो ना दो तो बुरे, पर गाड़ी भाई जिसकी गाड़ी होती है उसे पता होता है गाड़ी की कीमत क्या होती है, गाइस गाड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है तेरी लाइफ के लिए भी है, डबल है मेरी शिट। गाड़ी भाई जिसकी गाड़ी होती है उसे गाड़ी की कीमत, गाड़ी का प्यार, गाड़ी हमारा घर है कुल मिला के बात यह है, और खास कर तो वरना कोई नहीं नहीं भाई, गाड़ी में लगाएंगे सीधा पैसा, बहुत तगड़ा जेन्युइन मोटा पैसा, बहुत बढ़िया गाड़ी रैप करवा दे, जो मैंने तुझे रैप दिखाई थी वो वाली कह रहा हूँ मैं, जो पहले तो ब्लैक लगती है फिर धूप में आती है कलर चेंज हो जाता है भाई, बहुत तगड़ी लगेगी तेरी कसम, अरे पैसा की क्या दिक्कत ना, सब दिखा के पैसा कमा लेंगे गाइस। और नई गाड़ी तो ला रहे हैं हम, बहुत जल्दी लेके आएंगे, इंतजार बनाए रखें। ये आज का दिन लगाया है मुझे कि सच में मेरी लाइफ में कुछ दिन गया है, अब तुम अच्छा बुरा वो तो खैर बाद में बात देखी जाएगी, बट भाई आज इतने बड़े फ्रॉड से बचाऊँ ना, बताऊँ कितने बड़े थे, 8.5 लाख रुपए के फ्रॉड से बचाऊं जो मुझे देने थे, सोचो अब 8.5 लाख रुपए बहुत होते हैं भाई किसी के लिए, खैर कुछ नहीं होते, बट जो अपना मैं उस पर बिलीव रखता हूं, एक बार कमा के देखो तो पता चलता है 100 रुपए की कीमत क्या होती है, 10 रुपए की कीमत क्या होती है, तो 8 लाख रुपए तो खैर बहुत बड़ी बात है, तो भाई 8 लाख रुपए मुझे खुद पे करने पड़ते इतने बड़े फ्रॉड से बचाऊं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच मैम, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो खैर मैं उनके बारे में अभी आपको रिवील नहीं करूँगा, पहले कल अब उनके ऑफिस पे जाएंगे फिर सारी बातें शेयर करेंगे, होपफुली अगर हमारे पास टाइम हो तो हम जाएंगे, नहीं तो 2 से 3 दिन में जैसे फ्री होते हैं फिर मैं आपको मिलाऊंगा, जिसने हमारी हेल्प करी है मेरी और आसिफ भाई की के एक फ्रॉड से निकलने के लिए, तो भाई थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने बड़े फ्रॉड से बचाया और हमारी इतनी हेल्प करी, और मतलब बस थैंक यू आपको दिल से थैंक यू, ठीक है गाइस, तो ये तो होगी गाइस अलग पार्ट, बाकी आपसे ये बात बोलूँगा कि भाई लोगों से सोच समझ के अपना काम करवाओ, सोच समझ के लोगों से, बहुत भाई भगवान कसम इतना स्ट्रेस हो गया आज, तो इतना स्ट्रेस मतलब मैं जेन्युइनली बता नहीं सकता, कोई कितना चाट सकता है समझ के, चाट सकता है तो अलग लैंग्वेज होगी, मतलब कोई कितना मीठा बन सकता है,
अब मीठा भी हो तुम मोबाइल हो, मतलब कोई कितनी गुलामी कर सकता है भाई। मैंने ऐसे मतलब जेनुअनली बता रहा हूँ, कोई इंसान तुम बात करोगे ना ऐसा रहेगा तुम्हारे पेट में बढ़ जाएगा, इतनी मीठी मीठी बातें भगवान की कसम। और जब बाद में सच्चाई आई ना भाई, ऐसा मन कर रहा भगवान कसम फोड़ दूँ, बीच में सा हाथ देख खोल दूँ। बट चल वो तो अलग बात है, कोई नहीं, मैं अगर तुम मुझसे बच जाओगे तो भाई ऊपर वाला सब देख रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका हिसाब होगा। बाकी गाइस यहाँ से अपना काम लो और लोगों पे भरोसा ज़्यादा जल्दी मत करा करो। मेरी सबसे गंदी आदत है कि मैं लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ, बट हम इस चीज़ को भी कोशिश करेंगे कि ना करें इन चीज़ों को। बाकी प्यार सपोर्ट बनाए रखो और आप भी लाइफ में तरक्की करो, मेहनत करो, बस मेहनत बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो मेहनत करते रहो, प्यार सपोर्ट बनाए रखो, अपने भाई को सपोर्ट रखना हमेशा, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लव यू, गुड नाइट।